फाइनली जो प्लान बना है अभी टर्किश आइसक्रीम खाने जा। पहला वाला ब्लॉग में शेड्यूल करके रख दिया ऑलरेडी, वो तो आ जाएगा थोड़ी देर में, 6 बजे तक वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई वॉक करने के लिए। एक्चुअली सुबह हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन सुबह थोड़ा काम आ गया था, मेरे को हॉस्पिटल जाना था, थोड़ा बहुत काम था, इसीलिए अभी मैं फिर से जा रहा हूँ भाई वॉक। पास में एक लेक है, पर्णसी लेक, वहाँ पर वॉक करने के लिए सभी जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं मैं नहीं अकेला, सभी जाएंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। अभी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए आग थोड़ा सा नमी नमी होके रखा है, इसीलिए क्योंकि अभी मैं जस्ट नींद से उठा और भाई मतलब बोल रहा हूँ वॉक करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा फेस में पानी डालने से ही ये ठीक हो जाएगा। सो जब हम लोग घर से निकले तभी हम लोग का प्लान हुआ था कि सामने बाजू में एक लेक है, 15 मिनट का बाई वॉक डिस्टेंस है, तो हम लोग वहीं पर ही जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट हम लोग का प्लान जो बना अभी लेक गार्डन जाने का, अभी फाइनली प्लान कहाँ का बना, अभी फाइनली लेक गार्डन छोड़ के प्रिंसेप घाट का प्लान बना, मतलब यहाँ से भी और भी दूर का डिस्टेंस बना, मतलब ठीक है चलो जहाँ पे भी जाएंगे, अभी टाइम तो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिंदास है सभी, बस ठीक है चलो निकल पड़ते हैं, अभी जाएंगे ब्रिज ब्रिज, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे सीधा प्रिंसेप घाट। सो फाइनली जो प्लान बना है अभी टर्किश आइसक्रीम खाने जाना है। टर्किश आइसक्रीम मतलब जो मिडिल में बहुत ही फेमस हुआ था जो आइसक्रीम पार्लर, वो आइसक्रीम पार्लर में हम लोग जा रहे हैं। कोलकाता में वो बना है, मैं सोचा कि अच्छा वाला कंटेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा जाना बनता ही है वहाँ पे। तो वैसे भी हम लोग प्रिंसेप घाट के लिए जा ही रहे थे, मतलब छोड़ो प्रिंसेप घाट स्किप करते करके हम लोग टर्किश आइसक्रीम खाने के लिए जाते। सो कोलकाता आने के बाद कुछ खाया नहीं खाया अभी तक याद नहीं मेरे को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाया हमें वो है आइसक्रीम, सबसे ज़्यादा, मतलब दिन में 2-3 तो हो ही जाता है मेरा, कैसे भी करके आइसक्रीम हो ही जाता है। पियू सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाया ना हम लोग कोलकाता आने के बाद, सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाया। ये लोगों को घर में खाना नहीं मिलता है, भंडारों में आके खाना खाते हैं ये लोग, अच्छे से देख लो। बहुत दिन के बाद लोकल ट्रेन का टिकट कटा, टर्किश आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग को बाई ट्रेन में ही जाना होगा, हम लोग को एक्चुअली लेक गार्डन जाना होगा, लेक गार्डन से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का वॉकिंग है वो दुकान के लिए, तो इसलिए मैंने टिकट लिया। लेकिन बहुत दिन के बाद मैंने लोकल ट्रेन का फिर से लुत्फ उठाया। सो फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर गए, उतरने के बाद अभी हम लोगों को बोला है कि 10 मिनट का ले रहा हूँ, हेलो हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग चाहे तो बंगाली में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा सब्सक्राइबर को बंगाली आता है, तमिल नहीं बोल, हम लोग तमिल में, अगर आता है तो बोलो तमिल में, मेरे को प्रॉब्लम, वो भी सब्सक्राइबर है तमिल में, वो भी है, कौन सा चाहिए, ऑल इंडिया से सब्सक्राइबर है मेरे पास। तो अभी हम लोग बाई वॉक जा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली तो हम लोग को बोला है 10 मिनट का बाई वॉक है, तो और ये जो जगह है, ये जगह में मैं बहुत दिन के बाद वॉक कर रहा हूँ, एक्चुअली कम से कम हो गया दो से ढाई साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट कि ये रास्ता में नहीं आया। अभी हम लोग पार्लर तो पहुँच गए, लेकिन अभी डिसाइड हो गया है कि कौन कैसा आइसक्रीम लेगा, फाइनली ऑर्डर दो, भैया भी तो बनाएगा ना, कौन सा एक चॉकलेट और एक बटर स्कॉच, ओके एक चॉकलेट एक बटर स्कॉच, हम लोग ने बोल दिया ऑलरेडी।
रुको दे रहा है आमी हलो रे खे नहीं था आमी हलो रे खे नहीं था कोई तो मेरे को खिला उन्हें आइडिया दिया मेरे को तो कुछ So, हम लोग फाइनली टर्किश आइसक्रीम का एक्सपीरियंस कर लिए. अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा स्टेशन के लिए. जैसे हम लोग आए थे फिर सेम प्रोसेस से ही हम लोग जाएंगे हम लोग रिटर्न. लेकिन अभी स्टॉपेज अलग होगा क्योंकि पहले हम लोग जब ट्रेन पकड़े थे तभी हमने पकड़ा ट्रेन ब्रेज ब्रिज से. अभी जाएंगे माजेरहाट तक, ठीक है. और टर्किश आइसक्रीम का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सही था. थोड़ा प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट मिलता है फिर उसके साथ जैसा उसका टेस्ट है और क्वांटिटी जैसा है तो ठीक ठाक ही है. मतलब वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो प्राइस लिखा था, एक्चुअली वहाँ पे प्राइस लिखा था 300 मिक्स का 300 और सिंगल का 200. लेकिन मिक्स का जो है वो थोड़ा महंगा है. वो अगर 250 होता तो ठीक था, उसका ठीक था. लेकिन इसका जो है मतलब सिंगल का 200 वो ठीक है. उसका जो क्वांटिटी है मतलब तीन जन एक शेयर करके खा सक, खाना भी नहीं चाहिए एक्चुअली. इसमें जितना कैलोरीज रहता है जितना फैट रहता है तो आइसक्रीम उतना खाना भी अच्छा नहीं होता है. एक जो देता है एक जो कोन में रहता है वो तीन जन शेयर करके खा सकता है. बॉडी के लिए फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. क्या हर इंसान के लिए नहीं है, हर इंसान मतलब के लिए जरूरी नहीं खाता है. कोई तीन जन को ही खाना चाहिए. हाँ, कोई कोई देखो जो आइसक्रीम पसंद करता है दिल से पसंद करता है तो वो तो गोटा ही खा लेगा ना, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो हाँ नॉर्मली फन के लिए खा रहा है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा तीन चार दोस्त एक साथ मिल के आ रहे हो कॉन्ट्रीब्यूट करके एक खा लो रहेगा. और जो बंदा दे रहा है एक्चुअली सर्व कर रहा है उसका भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लवेबल पर्सन है. लेकिन यहाँ पे आने के लिए जो प्रोसेस आपको चाहिए वो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है कि अपना गूगल मैप ओपन करो, उसमें लिखो टर्किश आइसक्रीम. तो टर्किश आइसक्रीम देने के बाद आपको दिखाई देगा कि प्रिंस अनुवाशा दुकान का नेविगेटिंग आएगा. तो उस पर क्लिक करो, प्रिंस अनुवाशा जहाँ पे आओगे वहाँ पे ही. अगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रिंस अनुवाशा में जो बलराम मल्लिक सबसे बड़ा दुकान है वहाँ पे ही आके आपको मिल जाएगा. 15 मीटर्स का वॉक रहेगा बलराम मल्लिक टू ये टर्किश आइसक्रीम का दुकान. मेरा बीवी का काम काज देख के ऐसा लगता है ना पूरा बच्चों के जैसा उसका हरकत है, पूरा का पूरा एकदम बच्चों के उसका हरकत है. अभी पटरी में चल के वो जा रहा है, मतलब ये जैसा मतलब हो गया. इसका खाली कैमरा ऑन होगा तो हाय गाइस और तो कुछ बोलो और तो सब लोग और तो कुछ बोलो कुछ से आगे ही नहीं बढ़ेगा. कैमरा जब ऑन होगा हाय गाइस. अरे भाई कुछ तो बोलो रे भाई, ये बोलने का जगह है, तुम बोलो जो बोलना चाहते हो तुम बोलते रहो. सब लोग जीजू की चैनल को सब्सक्राइब करो. हाँ ये एक बात का बात किया. ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एक्चुअली ये जो माजेरहाट से जाने का जो डिसीजन मैंने लिया वो एक्चुअली मेरा ही डिसीजन है क्योंकि इसके बाद जहाँ से मतलब हम लोग पहले जहाँ से आए थे ब्रेज ब्रिज से वो जगह एक्चुअली रात के बाद मतलब उतना सेफ नहीं है और हमारे साथ लड़की है तो इसीलिए हम लोगों को अलग से सेफ जगह से ही जाना है. और यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि बस ट्रांजेक्शन यहाँ से अच्छा है.
तो बस का ट्रांजेक्शन अच्छा है, मतलब हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। और शाम से हम लोग कितना चले ना, ऑलमोस्ट हम लोग 10-12 किलोमीटर तो ऐसे ही चले। सो अभी नॉर्मली बस से ही जाना है, रिलैक्स करके घर जाना है, खाना खाना है, रेस्ट करना है। सो इसलिए मैं ये रास्ता 10:48 रात का, और हम लोगों को ना मिला ऑटो, ना कुछ सर्विस मिला ट्रांसपोर्ट। मैं सोचा कि हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन बोला था मिल जाएगा, लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं मिला। हम लोग बाई वॉक अभी टामड़ीपो से, मतलब बेहाला से हम लोग बाई वॉक अभी घर जाएंगे। घर जाएंगे क्या, घर जा रहे हैं हम लोग बाई वॉक। मेरा कैलकुलेशन था कि माझेरहाट से हम लोग को बस मिल जाएगा, बस से हम लोग निकल जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग को ऑटो वगैरह कुछ तो मिल जाएगा, तो हम लोग वहाँ से सीधा घर आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मिडिल में हम लोग को ना मिला ऑटो, ना मिला कुछ। सो इसमें ही प्रॉब्लम होगी, तगड़ा हर एक को तगड़ा नींद आने वाला है आज। सो अभी मैं और वीडियो नहीं बना पाऊँगा, घर जाके ही बनाऊंगा। अभी फिलहाल चलते हैं।